वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैंने ट्राइपॉड पे लगाया है फ़ोन, तो इसीलिए थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैंने अपने ऊपर ही ट्राइपॉड को रखा हुआ है। आज दिन जो है वो थर्सडे है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, शुरू में ही कह देती हूँ आज की, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना, विजिट कर रहे हो न्यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर लाइक भी दे दीजिएगा मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी थ्रेडिंग अपने से ही बना ली है, आप देख सकते हो, सिर्फ ऊपर साइड से ही बनाई है, नीचे से नहीं बनाई है। और कैसी बनी है कैसी नहीं बताना। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप थ्रेडिंग बनाइएगा तो मोटी ही रखिएगा, तो मैंने मोटी ही रखी। नीचे से इसलिए नहीं बनाई ना कि ये स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती है तो कट सकता है धागे में, इसलिए मैंने नीचे से अपने से नहीं बनाई हूँ, ऊपर ही बना ली हूँ। बताओ कैसा बना है, सही है कि नहीं। और अभी जा रही हूँ बस खाना बनाने, और मैंने कहा लाओ ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं खाना वाना बनाने, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने लोग की तमन्ना थी कि मेरी मम्मी को देखने की, तो ये देखिए मम्मी आज पता नहीं क्या उनका मूड सन का, और अचानक से लेके बाहर अपना झाड़ू लगाने लगी। मैंने चुपके से वीडियो शूट कर ली क्योंकि सामने करती तो वो मना कर देती हैं, वो नहीं आना रिकॉर्ड करना चाहती हैं वीडियो। अभी उनको ठीक से पता भी नहीं है कि सब क्या होता है क्या नहीं, ठीक से नहीं पता है। आज समझ सकते हो उस मम्मी मेरी उतना ज़्यादा ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं रखती हैं, तो मैंने चुपके से शूट कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए। मन की मौजी हैं, कभी कुछ करने लगती हैं। और यहाँ पे मैंने अपना खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और ये मैं इत्तू सी गोभी लेके बैठी हूँ, इत्तू सी गोभी मुझे मिली है 30 रुपए में खाली फ्रेंड्स। और आज मैं आलू टमाटर और गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और यमी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग बताओ आपको कैसी लगती है गोभी की सब्ज़ी, और गोभी के पराठे हो गए और गोभी मिक्स वेज हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे खाने में। और ना वो तहरी जो बनती है जिसमें सारी सब्ज़ियों को डाल के बनाते हैं ना, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें खाना। और अब तो ठंडी आ गई है, अब तो जो भी दिल में आए बना के आराम से चैन से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैरायटी वैरायटी है खानों की। और यहाँ पे मैं सारे सब्ज़ियों को छील लेती हूँ, गोभी को मैंने छील रही हूँ गोभी को मैंने छांट लिया था कि कीड़े वगैरह नहीं हैं। अगर आप इस तरह छांटना नहीं चाहते ना, तो उसको गर्म पानी में उबाल भी सकते हो गोभी को, उससे भी जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो सब्ज़ियाँ मेरी सारी कट चुकी हैं, अब मैं आ गई हूँ अपने आंगन में और यहाँ पर वॉश कर रही हूँ सब्ज़ियों को। मैं किचन के सिंक में भी वॉश कर सकती हूँ, बट वहाँ पर ना हल्की हल्की सी मिट्टी आ रही है पता नहीं क्यों, इसलिए मैं कुछ दिन से यहाँ आंगन में ही वॉश कर रही हूँ। और खाने बनाने के लिए पानी मैं पहले से ही रखी रहती हूँ किचन में ही, तो बस सब्ज़ियाँ धोने आना पड़ता है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं आना पड़ता है। तो सब्ज़ियों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा समय चल रहा है ना कोरोना का, तो थोड़ा सा डर टाइप का लगता है। तो सब्ज़ियाँ मेरी धुल चुकी हैं, चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जार ले लिया है मिक्सर का, और इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था क्योंकि काफ़ी दिन से 3-4 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको धो लिया, मिट्टी उट्टी आ जाती है ना, तो धो लिया। अब इसके बाद इसमें सारे मसालों को मैं डाल दूँगी, मतलब प्याज लहसुन मिर्च और अदरक, इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है काट के। और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे अपने मिक्सर में। इसके बाद मैंने ऑयल ले लिया है और इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, इसमें मैंने एक गोभी डाल के देख ली थी तेल गरम हुआ है कि नहीं, मैं ऐसे ही चेक करती हूँ तेल को, तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। बाकी सारी गोभियों को इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी अच्छे से, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी का अगर आप गोभी को भून के बनाओ। बहुत लोग बिना भुने भी बनाते हैं, बट मैं जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो भून के ही बनाती हूँ। देखो भून चुका है अच्छे से, इसका कलर भी ब्राउनिश ब्राउनिश सा कुछ हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में,
और इसके बाद इसी तेल में मैं बाकी चीज़ों को बनाऊंगी डालूंगी। तो अब मैंने अलग निकाल दिया है और अब इसमें डालेंगे जीरा, क्योंकि तेल गर्म है तो जीरा फटाक से लाल हो जाएगा। तो जीरा यहाँ पे मेरा लाल हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पेस्ट जो मैंने बनाया था, प्याज लहसुन मिर्च अदरक का, और उसको ऐड करने के बाद मिक्स करके इसको भी भून लेना है थोड़ी देर। और इसको भूनने के बाद देखिए तेल छोड़ दिया है इसने साइड से। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने मसालों को। मसाले में मैं ले रही हूँ राजेश का सब्ज़ी मसाला, मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो मैं यही ज़्यादातर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स अच्छे से करना है, याद रखिएगा, क्योंकि वरना फिर पकेगा नहीं ना, तो इसीलिए। तो मिक्स करने के बाद इसमें मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, तो धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट भून लेती हूँ। और इसके बाद ये अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें सारी सब्ज़ी डाल देंगे, मतलब गोभी और आलू को अपने ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद इसमें जितना भी आपको पानी चाहिए वो पानी डाल के और नमक डाल के बस इसको आप पका लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सारे कूड़ों को मैं भर लेती हूँ। कूड़ा क्या, जो छिलका वगैरह निकला है ना, उनको मैं एक पॉलीथीन में भर लेती हूँ, तुरंत का तुरंत भर लेती हूँ सारी चीज़ों को। और इसके बाद इसको बाहर मैं रखाऊंगी अपने रूम के बाहर, और सुबह ये फेंक देते हैं। सुबह कूड़ा वाला आता है, उठा ले जाता है सारा कूड़ा, तो ये फेंक देते हैं। और डब्बे 2 रखे हैं आप देख सकते हो, तो वो डब्बे मैंने रखे हैं खाली धो के, कुछ उसमें भरने के लिए काम आ जाएगा इसलिए मैंने भर रख दिया है धो के। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी मेरी पक चुकी है फ्रेंड्स। इधर अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और धनिया, और इसको भी अच्छे से मैं पका लूँगी। और इसको पकाने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है ना, सब्ज़ी हल्की सी खट्टी उस पर आ जाती है ना। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और सब्ज़ी बहुत ही औसम लगी बनी थी। और ठंडी में बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे बहुत ठंडी मतलब अच्छी लगती, मतलब अच्छी भी लगती है, नहीं भी लगती, अच्छी नहीं तब लगती है जबकि इसमें ना मतलब इतने सारे कपड़े जो लादने पड़ जाते हैं ना, तब मुझे बिल्कुल भी ठंडी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक चीज़ में ना ठंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि इतनी सारी सब्ज़ी की वेराइटीज़ हो जाती है ना कि समझ में आता है कि ये बना लो, वो बना लो, वो बना लो, वो बना लो। तो सब्ज़ी की वेराइटीज़ ठंडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ना मतलब कि खाना ना बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक सब्ज़ी उठाओ फटाक से बना लो, जैसे गोभी की सब्ज़ी कितनी बढ़िया लगती है, और मटर वगैरह की सब्ज़ी निभोना सब कितना बढ़िया लगता है। तो अभी तो सीज़न आ रहा है, अभी तो मटर पता नहीं आया है कि नहीं आया ना मार्केट में, मुझे नहीं पता। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी, यार सब्ज़ियों में तो इतनी आग लगी है, इतनी महंगी सब्ज़ी मिल रही है। जो आप लोगों ने शुरू में वीडियो में देखा था ना, इतनी छोटी सी गोभी थी, 30 रुपये की गोभी वो ये लेके आए थे, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों में पता नहीं क्या महंगी इतनी ज़्यादा मिल रही है कि पूछो नहीं, बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो वही हम कहें, मैंने कहा कि 30 रुपये की इतनी छोटी सी गोभी, 30 रुपये, यहाँ 10-15 रुपये में बड़ी गोभी मिल जाती थी, इसको 30 रुपये में इतनी छोटी सी गोभी, सोचो। तो वही मैं कह रही थी इनसे कि बताओ, इतना महंगा ज़माना आ गया महंगाई का कि पूछो नहीं। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, आराम करूँगी, इसके बाद उठ के अपने बर्तन वगैरह सारा धोऊँगी, और देखो ब्लॉग में आगे क्या क्या दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ, जो मन करता है अपना शूट कर लेती हूँ, फिर एडिटिंग करके डाल देती हूँ। आप लोग बताना मैं सही कर रही हूँ कि नहीं ब्लॉगिंग यार, क्योंकि मेरे वही वीडियो कोई वायरल ही नहीं हो रही है यार, बड़ी इतनी लगन और शिद्दत से मेहनत करूँ और वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है, प्लीज़ कब वायरल होगी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ। पता है मेरे अब सपनों में यूट्यूब आने लगा है, मैं सपनों में यूट्यूब को देखती हूँ, आप लोग को मैसेज का जवाब दे रही हूँ मैं सपनों में, सपनों में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सपनों में मैं बड़े बड़े यूट्यूबर से मिल रही हूँ, ऐसे ऐसे मुझे सपने आते हैं, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब सपनों में आने लगा है मेरा यूट्यूब, इतनी ज़्यादा मुझे जो है यूट्यूब से दोस्ती और लगन हो गई है इसको लेके कि सपनों में भी दिखने लगा है। चलो अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, शाम की चाय मेरी बननी शुरू हो गई है। बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे अपने, आप देख सकते हो सारे बर्तन लगे ही हैं स्टैंड में। और बस शाम की चाय मैं अपनी बना रही हूँ अदरक वाली, जो कि अदरक की चाय पीने में तो एकदम मज़ा आ जाता है, ताज़गी सी आ जाती है एकदम बॉडी में। तो चलो बना लेती हूँ चाय, पी लेती हूँ, इसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने डिनर में बनाया था भरवा आलू और टमाटर, और जो एक टमाटर आप देख रहे हो वो मेरे पति देव के लिए है, क्योंकि उन्हें टमाटर भर के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने अपना खाना निकाल लिया है, और मिर्च जो है ना वो मैं खाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं खाता बट मैं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए सिर्फ खड़ा निकाल लेती हूँ खाने के लिए। और खाना तो बिना मिर्च का ही बनाती हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। चलो मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ ब्लॉग का एंड करने, और मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ। और मतलब इतने ज़्यादा मतलब कि लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं ना, तो मुझे कभी कभी ये फील होता है कि मैंने अपना सच बता के, अपने सच्चाई बता के, जो मैं हूँ, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब सच बता के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है ना, सच कभी नहीं देखना चाहती है, उसको सिर्फ झूठ ही देखना पसंद है, और झूठ ही देख के वो यकीन कर लेती है कि हाँ उसकी लाइफ ऐसी ही होगी। लोगों को सच नहीं बिल्कुल भी देखना पसंद है, लेकिन मैंने कभी इस राह पे ना चली नहीं हूँ कि झूठी या बनावटी या ड्रामेबाजी कुछ भी करूँ। तो इसीलिए जो भी सच था ना, मैंने सच सच एकदम अपनी लाइफ दिखाई, लेकिन कुछ लोग जो है उसका इतना ज़्यादा मजाक बना दिए हैं, इतना ज़्यादा उसको लेके मुझे कमेंट करते हैं ना, कि मेरा मतलब आँख से आंसू गिरने वाले होते हैं, कि मैं रोक लेती हूँ, संभाल लेती हूँ अपने आप को सोच के कि चलो दुनिया है, बोलती ही है। लेकिन क्यों बोलते हो यार आप लोग ऐसा? अगर आप किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हो तो प्लीज़ कम से कम एटलीस्ट उसको ऐसा तो मत बोलो कि उसको बुरा लगे। नहीं समझ सकते हो चलो ठीक है, लेकिन आप उल्टे सीधे कमेंट्स क्यों कर देते हो? क्या मिलता है? मैंने आप लोग का कुछ बिगाड़ा है या किसी का भी कुछ बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा है ना, तो फिर क्यों ऐसे कमेंट करते हो जिससे कि मुझे तकलीफ़ हो या दुख हो? यार देखो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होती ही है। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं ऐसे उल्टे सीधे, उनके भी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ना यार। वैसे मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने रियलिटी एकदम सच सच आपसे सारी चीज़ें शेयर कर दी, तो इसका मतलब कि आप मजाक उड़ाओगे मेरा या आप मेरी बातों को नहीं समझोगे? ये तो गलत बात हो गई ना। काफ़ी लोग आते हैं मेरी वीडियोज़ में, हंस हंस के चले जाते हैं। कल मैंने भाई की जो ब्लॉग वीडियो डाली थी उस पर एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं सब्सक्राइब किया तभी तो आती होंगी, तो वो आती हैं और हंस के चली जाती हैं, कहती हैं कि भाई के नाम पर कोई तुम्हें लाइक नहीं देगा, और हंस के चली जाती। मतलब क्या है इसका समझूँ मैं? कि आपको मज़ा आ रहा है मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त कर रही हूँ तो मज़ा आ रहा है? मैं आपको अपना एक परिवार समझ के, अपना समझ के, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, अपना सुख दुख शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग समझो, मुझे सहारा दो, सांत्वना दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मुझे आए कुछ भी सुना के चला जाए, ये तो गलत बात हो गई ना। जैसे कि आते हैं और भी यूट्यूबर्स हैं, कितने ज़्यादा दिखावा करते हैं यार, लेकिन लोग ना वही देखना पसंद करते हैं, वही जाते हैं कि वो उनका दिखावा ही देखने लोग जाते हैं, लेकिन रियलिटी कोई देखना नहीं चाहता है, सच कोई भी नहीं देखना चाहता है। आज भी देख लो कितने सारे यूट्यूबर्स लगे हुए हैं 3-4 साल से, एकदम सच और रियलिटी अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन आज वो सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो सच दिखाते हैं, रियल दिखाते हैं अपनी लाइफ, लेकिन जो बनावटी दिखा रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया सिर्फ ना सिर्फ झूठ ही देखना चाहती है, पर्दा पड़ा लेना चाहती है आँख पे, आँख खोल के बिल्कुल भी सच नहीं देखना चाहती है दुनिया, ऐसी दुनिया हो गई है। तो प्लीज़ यार आप ऐसे मैसेज मत करिए जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो। मैंने कुछ भी अपने बारे में झूठ नहीं बोला है, सब
कुछ एकदम रियल बोला है, सब कुछ एकदम रियल बोला है, एक भी चीज़ मैंने झूठ नहीं बोली है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा, अच्छे से सबसे पेश आती हूँ, बिहेव करती हूँ, अच्छे से सबसे बातें करती हूँ, कोई मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट फील हुआ था जब उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी थी। आप आज भी जाके देख सकते हो मेरे मेकअप वाली वीडियो पे, उनके कमेंट पड़े होंगे, आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने मुझसे किस तरह से बात की थी। तो मुझे बुरा लग जाता है, बुरा लग जाता है, लेकिन मैं किसी से कह भी नहीं पाती हूँ। मेरी आदत नहीं किसी से लड़ने की या किसी को जवाब देने की, मैं एकदम ना शांत रहना चाहती हूँ, शांत स्वभाव की हूँ। तो पता नहीं कैसे लोग आके ऐसे ऐसे लड़ जाते हैं, बिना जाने समझे किसी को कुछ भी कह जाते हैं यार। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए डियर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। और चलो करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है, बाय।